जय सियाराम। अभी हम राजस्थान में जयपुर ज़िले में खोरी गांव में हैं और यहां का मंदिर है ये बालाजी हनुमान जी का, और ये भी अब सही है। चल के देखते हैं अंदर। बहुत अच्छा छोटा सा आश्रम है, मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। तो इसमें जाके देखते हैं कि चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और ये गांव में है। तो देखते हैं चल के अंदर कि मंदिर कैसा है। है तो बहुत सुंदर, आप भी देखिए। ये गेट है, शंकर जी गणेश जी हैं और रिद्धि सिद्धि हैं। ये जिस समय बना था उस समय 5-6 लाख रुपए लग गए थे। और ये मंदिर है, अंदर चलते। ये मंदिर है, ये मंदिर की यज्ञशाला है। जो ठीक हनुमान जी के सामने है, गेट के सामने, और ठीक हनुमान जी के सामने भी है। वो इस हिसाब से बनाई ही गई थी और पूरा हरा भरा है, फूल लगे हैं, घास भी पूरी। ये राजस्थान में है और बहुत हरा भरा है पूरा। देख के नहीं लगता कि राजस्थान में है, इतना ज़्यादा हरा भरा है। अच्छा सूख गया है। और ये हरा भरा जो है ये इनकी वजह से है। ये पूरा जी, ये पूरी सेवा सारा चीज़ इन्हीं के ऊपर है पूरा। देखिए लगे ही रहते हैं और ये सारी हरियाली और सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर है। ये महाराज जी यहाँ के तालाब पूरा हरा भरा एकदम, जो बना रखा है इन्होंने ही बना रखा है। और ये कुटिया है महाराज जी की, अंदर धुना भी है। और ये संत निवास है इधर, जो कि कितना भरा हरा भरा है ऊपर छत। हाँ जी, ये पाकर पहले बहुत दुबला पतला था, अब जाके थोड़ा सा मोटा हुआ हरा भरा। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो पूरे में छन हो जाएगा। देखिए छोटा सा पेड़ है और बड़ा सा पपीता लगा है। और ये किनारे किनारे फूल लगे हैं, ऐसा तो झालर लगी हुई है। छोटा सा आश्रम, बहुत सुंदर, पूरा हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ है। जबकि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, मगर ये पेड़ एकदम पतला सा पेड़ है और फिर भी पपीते बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, कब गिर जाए पता नहीं। सही से साफ नहीं आ रहा ऊपर। देखिए कितनी जगह से छेद है इसमें, 3 जगह से छेद है और पतला सा है, उसके बावजूद ढेर सारे पपीते लगे हैं। तो राजस्थान में इतनी हरियाली देख के बहुत आनंद आता है। सब जगह नहीं होती है, जहाँ बनाई जाती है ऐसी हरियाली वहीं पे होती है। ये ज़्यादा करके मंदिर आश्रम में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सेवा भी होती है और भक्ति भाव की वजह से, भजन के प्रताप से भी ये सब हरा भरा रहता है।
आगे भी काफ़ी हरा भरा है, अभी देखते हैं फिर मंदिर चलते हैं। कुमकुम का पेड़, बहुत सारे कुमकुम लगे हैं। इसका पाउडर बना के तिलक करने काम में आता है। जामुन का पेड़ बड़ा सा, इधर भी बड़े पेड़ हैं, जब ये और बड़े हो जाएंगे तो पूरा छाँव से भर जाएगा। और ये बेल जो है इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, पूरे में झालर जैसा लग जाता है। छोटा सा आसाम में पूरा हरा भरा कर रखा है। राजस्थान में ज़्यादा करके जगह पे सूखा ही रहता है, इतनी हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। और बालाजी हनुमान जी की कृपा और सेवा करने वालों की मेहनत से ये आसाम पूरा हरा भरा है। पेड़ ढेर सारे लगे हुए हैं। देखिए पेड़, खेती भी है पूरी, ये सब आसाम के अंदर ही है। जो ये अभी पेड़ छोटे हैं, जब ये और बड़े हो जाएंगे तो और ज़्यादा ये हरा भरा और घना हो जाएगा, तो फिर और सुंदर लगने लगेगा। इतना ज़्यादा वो है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये लैट्रिन बाथरूम वाशरूम की ये कमरे हैं, जो कोई आता है महात्मा साधु या कोई भी तो रुकने के लिए हैं। ये यहाँ की रसोई, सारी व्यवस्था आसाम में अच्छे से रहती है, ढेर सारी पूरी भरी हुई साफ सुथरा रसोई घर, हर चीज की व्यवस्था पूरा। ये स्टोर रूम, तो आपने देख लिया कितना सुंदर हरा भरा चतप, और गेट भी बहुत बड़ा और सुंदर सा है बालाजी का मंदिर, हनुमान जी, रसोई घर, कुटिया, पूरा हरा भरा आनंददायक, जब बरसात में और ज़्यादा हरा रहता है। अब चलते हैं बालाजी हनुमान जी के दर्शन करते हैं। कांच से बंद रखना पड़ता है, वो चिड़िया अंदर घुस जाती है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ठाकुर जी महाराज जी शालिग्राम बहुत बड़े से हैं, शालिग्राम भगवान, ठाकुर जी भी लड्डू गोपाल या अखंड दीपक।
जय हो, जय हो बजरंग बली महाराजी, जय हो, जय हो। ये शंकर जी शिव परिवार, इस ग्रह बैठने की बहुत सारी जगह है, कीर्तन भजन करते समय बहुत सारी जगह रहती है। यहाँ का वृंदावन